So this will be the very quick podcast on something which is just popping up in my mind. Because it is a podcast, what happens is the benefit of the podcast is that you can just immediately click and just start talking about all these topics, which is the most amazing thing about the podcast. There are a lot of benefit for the podcast. Okay. Sorry for the mispronunciation because, I am dumb always in English. So, yeah. So, one of the most fundamental thing people think that ki bhaiya hum ek passion leke paida hote hain aur hame wahi karna hai aur hum paida hi hue hain wo cheez karne ke liye aur hame wo dhoondni hai. Agar hame wo mil gayi to theek hai, hum usko karte jate hain aur hame usi mein rehna hai. Agar wo hame pata chal gaya ki hame ye pasand hai to hame usi mein rehna hai aur साथ ही साथ हमें कुछ नया नहीं एक्सप्लोर करना है. कुछ नया अगर आए तो उसे अवॉइड करना है. जो हमें पसंद है वो करना है, हमारे पैशन को फॉलो करना है. अगर हमारा पैशन हमें मिल गया तो उसे फॉलो करना है. अगर पैशन नहीं मिला है तो हमें उसको ढूंढना है और उसके बाद उसको फॉलो करना है. दिस इज अ अटर बुलशिट, लेट मी टेल यू. एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर राइडिंग ऑन द हॉर्स, नॉट द हॉर्स राइडिंग ऑन यू. लेट मी टेल इट अगेन. इस दुनिया का क्या सिद्धांत है? अपने पैशन को ढूंढो, उसको फॉलो करो. मेरा यह कहना है कि जिस चीज को भी तुम देखो उसे तुम अपना पैशन बना सकते हो. बहुत बड़ी बात है यह. हम कुछ वासनाएं लेके पैदा होते हैं, कुछ हैबिचुअल टेंडेंसीज लेके पैदा होते हैं. जैसे मेरी सिंगिंग थी, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे यह जताया कि मुझे मार्केटिंग भी सीखनी है. लेकिन जब मैं मार्केटिंग करने गया तो वो बहुत बोरिंग लगा मुझे. और उसके बाद जब मैंने मार्केटिंग सीखा जैसे तैसे, आज मुझे मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है रेदर देन सिंगिंग और म्यूजिक. क्यों? क्योंकि मार्केटिंग मेरे को फ्रीडम प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग मेरे को पैसा प्रोवाइड करता है. उससे मैं घर बैठ के अपने टाइम को जैसे चाहूं वैसे स्पेंड कर सकता हूं. अगर मैं बाथरूम में एक घंटा बैठूं तो कोई बोलने का नहीं है, कोई बोलेगा नहीं मुझे, कोई बॉस नहीं है मेरे ऊपर. अगर मैं बाथरूम में 3 घंटे बैठूं तो कोई बॉस नहीं है. अगर मैं आज मनाली चला जाऊं तो कोई बॉस नहीं है. मैं जिम जब चाहे तब जा सकता हूं. मैं 9 बजे जा सकता हूं, मैं 2 बजे जा सकता हूं, मैं 5 बजे जा सकता हूं, मैं 10 बजे में जा सकता हूं, रात में 2 बजे जा सकता हूं. कोई कहने वाला कोई कुछ नहीं. दिस इज द टाइम फ्रीडम विच आई एम गेटिंग. Now you will say कि भैया पैशन तो फॉलो करना होता है यार. पैशन, देर इज नो पैशन एट ऑल, आई एम टेलिंग यू ना. सी, यू आर बॉर्न विद अ हैबिट, विद अ टेंडेंसी. यू कैन ऑलवेज चेंज दिस हैबिट. लिटरली यू कैन चेंज दिस हैबिट, यू कैन राइड ऑन द हॉर्स. सो दिस इज अ कंपल्शन कि मुझे यही करना है, यही मेरा पैशन है. नो, इफ यू वॉन्ट, इफ यू डिजायर इट, यू कैन चेंज योर हैबिचुअल टेंडेंसी. कि तुम सिंगर बनने के लिए पैदा हुए हो, एक्टर बनने के लिए पैदा हो, बुलशिट. 5 परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करो. एक गिरगिटान की तरह अपना रंग बदलो, परिस्थिति के हिसाब से अपना रंग बदलो. जो भी तुम कर रहे हो पास्ट में, जो जिसने किया है उसको तुमने आइडल बना रखा है. पास्ट में जो था वो पास्ट में है, फ्यूचर में क्या आने वाला है वो नया है. कुछ और जरूरतें हैं, कुछ नई यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नए लोग आ रहे हैं, नई परिस्थितियां बन रही हैं, उसके हिसाब से तुम्हें नया कुछ लाना पड़ेगा. तो उसके हिसाब से अगर तुम देखो तो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज विच इज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आउट ऑफ द वासना. यू नीड टू प्रैक्टिस इट, फॉलो इट, मेक इट योर डिजायर. दिस इज अटर बुलशिट कि जो पैशन होता है वो बचपन से होता है और एक्सप्लोर करना होता है, नहीं मिले तो. ये झूठ है सरासर. तुम जो चाहो वो तुम पैशन बना सकते हो. जहां तुम उंगली पे इशारा करोगे वहां पे एनर्जी भागेगी, वहां पे ऊर्जा भागेगी. ये नहीं कि जहां ऊर्जा भाग रही है वहां तुम भाग रहे हो. अरे तुम तो गुलाम हो ऊर्जा के. तुम ऊर्जा के गुलाम नहीं हो, ऊर्जा तुम्हारी गुलाम है. क्यों? क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन क्या है पहले उसको समझो. तुम इस ब्रह्मांड का अधिष्ठान हो, तो तुम जहां भगाओगे वहां भागेंगे लोग.
किसी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि तुमको रोक सके। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, नॉट द स्लेव ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस इज व्हाई पीपल आर फॉलोइंग द पैटर्न विच इज नॉट इन द यूनिवर्स, विच इज नॉट इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस और द प्रोटोकॉल्स ऑफ द यूनिवर्स। पीपल आर स्लीपिंग एट 4 AM, पीपल आर रिप्रोड्यूसिंग 12 मास, पीपल आर डूइंग वॉट एवर द हेल दे वॉन्ट ऑल द टाइम, बिकॉज यू हैव द चॉइस एज अ ह्यूमन बींग टू गो एंटी यूनिवर्स। इन लॉस को तुम तोड़ सकते हो और उसके खिलाफ जा सकते हो। ये वासनाएं तुम्हारे ऊपर हावी ना हो, इन वासनाओं के ऊपर तुम हावी हो। घोड़ा तुम्हारे ऊपर ना बैठे, तुम घोड़े के ऊपर बैठ रहे हो। यू आर सिटिंग ऑन द हॉर्स, नॉट द हॉर्स सिटिंग ऑन यू। लिसन, दिस इज रियली अमेजिंग थिंग बिकॉज आई हैव डन इट इन माई लाइफ। आई यूज टू हेट मार्केटिंग, वन ऑफ द मोस्ट हेटरेड थिंग, बट आई न्यू कि ये मेरी नीड है, मुझे इसको समझना है, मुझे बिजनेस समझना है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी का दास बनने का शौक नहीं है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि 10 से 5 चले जाओ और 10 से 5 के बीच में जो भी करना है बैठो, पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना मत पढ़ाओ। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें तुम्हें टाइम फ्रीडम मिल जाएगी। सरकारी नौकरी की बात अलग होती है, उसमें तुम करो या ना करो, बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो ऑफिस टाइम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्राइवेट जॉब में तुम्हें मरानी होगी अपनी। यू हैव टू टेक ऑफ योर पैंट्स एंड बेंड डाउन लिटरली। सो बिकॉज यू वर ऑलवेज इन द भोग विलास एंड इंद्री तृप्ति, दिस इज वाई यू आर डूइंग अ जॉब राइट नाउ। You are doing a private job which you don't like. Why? Because vasanas, the desires, the burning addictions of your life has enslaved you. These things have enslaved you. Gulam bana liya hai tumhe in logon ne. Jakad ke rakh liya hai. Kuch kar hi nahi pate ho tum. Ek number ke gulam ho. 2 crore ke daas ho tum. Lekin tum uth ke isko काट सकते हो और नया एक वासना बना सकते हो। जो वासना तुम चाहोगे वो वासना बनेगी, ये नहीं कि जो तुम लेके आए हो उसको तुम चाहो तो रोक सकते हो। जो भी वासना तुम लेके आए हो, 2 टाइप के लोग पैदा होते हैं। एक बच्चा पैदा होता है जो वासना लेके पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है जो बिना वासना के पैदा होता है। उसकी वासना क्या है? टाइम पास। पहले भी टाइम पास कर रहा था पिछले जन्म में, अभी भी वो टाइम पास करेगा। 1 नंबर का 2 कौड़ी का मनुष्य जिसको कोई हक नहीं है इस मानव शरीर को प्राप्त करने का, वो टाइम पास करेगा। वो क्या करेगा? वो शादी करेगा, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल करेगा। उसको लगता है जिस्मों में पड़े रहो, नहीं तो वो ऊपर की तरफ से निकाले खाएगा और पीछे से निकालेगा। खाओ पियो, आगे पीछे से निकालो, यही लाइफ है, तमोगुड़। दूसरा टाइप जो पैदा होता है वासना लेके कि मुझे सिंगिंग करनी है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे क्रिएटिव चाहिए, मुझे बिजनेस करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे जिमिंग करनी है, मुझे योगा करना, इसको भी तुम तोड़ सकते हो। क्योंकि क्या पता जिस जमाने में तुम पैदा हुए हो उस जमाने में सिंगिंग की जरूरत ही ना हो। आज कितने सिंगर्स हैं, लाखों करोड़ों सिंगर्स हैं, क्या जरूरत है जनता को? बिजनेस का एक प्रोटोकॉल है, बिजनेस का लॉ है, सिद्धांत है कि भैया जहां तुम पैदा हो रहे हो वहां पे उसकी जरूरत है या नहीं है। आज के जमाने में गायन और गायक की जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों गायक हैं। क्यों? क्योंकि पहले पुराने जो लोग हैं उन्होंने कर रखा है, तो उनको देख के ये लोग इंस्पायर हो रहे हैं। यानी पुराने डेटा के हिसाब से एक डिजायर बना हुआ है, आगे 10 साल बाद कोई नया आदमी आ जाता है तो उसके हिसाब से एक डिजायर बन जाता है। इसको रेड ओशियन और ब्लू ओशियन बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखो कि यू कैन ऑलवेज चेंज योर डिजायर। फॉलोइंग योर पैशन एंड इंस्लेविंग योर सेल्फ, इट इज बुलशिट। यू कैन ऑलवेज मेक द पैशन व्हाट यू वांट, नॉट द पैशन यू हैव गॉट और यू हैव मेड इन द पास्ट। राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।